क्या आप एक पुरसकून पुरासाइश और तमाम जदीद सहूलियात से आरास्ता रिहायशी घर और आज की सबसे मुनाफा बख्श सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट के ख्वाहिशमंद हैं? तो आइए फिर हम आपको लिए चलते हैं बहरिया टाउन इस्लामाबाद फेज 7 एक्सटेंशन की नहायत डिमांडिंग और पुरफिजा लोकेशन पर वाके नए तामीर शुदा 2 यूनिट घर 1846 के विजिट के लिए जो कि बराए फरोख्त है। बहरिया टाउन किसी तहरफ का मोहताज नहीं और यहाँ के मयार जिंदगी का कोई सानी नहीं। जदीद सिक्योरिटी सिस्टम, बहरिया ग्रिड स्टेशन, बहरिया हॉस्पिटल, मॉडर्न कमर्शियल एरियाज, मसाजिद, पार्क्स और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्कूल्स जैसी तमाम सहूलियात यहाँ के रिहायशियों के लिए एक मुनफरद जिंदगी की जमानत हैं। 40 फुट कुशादा गली और सॉलिड हाइटेड लैंड पर वाके ये पार्क फेसिंग घर जुड़वां शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद की मसरूफ तरीन सड़क से सिर्फ 10 मिनट की मुसाफत पर वाके है। 24/7 बिजली, वाटर ट्यूबवेल की सहूलियात, वाटर स्टोरेज टैंक और सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए अर्थिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है जो कि इस घर का खासा है। सिक्योरिटी कैमरास के लिए केबल इंस्टॉल्ड है और गैस मीटर्स के लिए अर्जेंट मीटर कनेक्शन अप्लाई किया जा चुका है, जबकि बिजली का 3 फेज मीटर कनेक्शन हासिल किया जा चुका है। ये इस घर का फ्रंट एलिवेशन है, स्लाइडिंग मेन गेट और इसके साथ मिनी गेट है जो कि जनरल इस्तेमाल के लिए है। कार पोर्च में खूबसूरत मार्बल का इस्तेमाल किया गया है जहाँ आसानी 2 लग्जरी गाड़ियाँ पार्क की जा सकती हैं जो कि एंटीक लुक रखती है। और ये राइट साइड पर एक्स्ट्रा पार्किंग स्पेस है और ड्राइंग रूम की लार्ज साइज विंडो का एक्सटर्नल व्यू। फ्रंट डोर्स, ये फ्रंट डोर्स हैं और ये सॉलिड वुडन डोर्स येलो पाइन के बने हैं। अपर पोर्शन के लिए सेपरेट और इंडिपेंडेंट डोर्स हैं और इसी तरह ग्राउंड फ्लोर के लिए सेपरेट डोर्स। ग्राउंड फ्लोर पर ड्राइंग रूम, खूबसूरत वॉलपेपर, इंपोर्टेड चैंडेलियर्स और खूबसूरत सीलिंग, लार्ज साइज वेल प्रोटेक्टेड विंडो विद इंपोर्टेड ग्लास। सीलिंग फैन SK के लगाए गए हैं जो कि प्योर कॉपर के हैं और निहायत स्मूथ फंक्शनिंग के साथ हैं। ग्राउंड फ्लोर पर मेन एंट्रेंस के साथ ही पाउडर रूम है, यहाँ पर इंपोर्टेड सैनिटरी का इस्तेमाल किया गया है। स्टेयरकेस के साथ और पाउडर रूम्स की बैरूनी दीवारों पर निहायत खूबसूरत इंपोर्टेड वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है जो कि एक नेचुरल लुक देता है। और ये इस घर के ग्राउंड फ्लोर पर खूबसूरत और निहायत कुशादा TV लाउंज है, इंपोर्टेड चैंडेलियर्स और वेस्टर्न सीलिंग डिज़ाइन, खूबसूरत वॉलपेपर। और ये ड्राइंग रूम के लिए इंटरनल एंट्रेंस है, 32x32 इंपोर्टेड टाइल्स। द किचन इज़ द हार्ट ऑफ अ होम, खूबसूरत किचन जिसमें जेडान की इंपोर्टेड एसेसरीज का इस्तेमाल किया गया है। निहायत खूबसूरत और पायदार प्लाटीनियम सुपर ग्लॉस की किचन कैबिनेट्री है, सिग्नेचर X2 हुड और 1000 MC मैक्स कुकिंग रेंज नस्ब की गई है। बेडरूम नंबर 1, ये इस घर का ग्राउंड फ्लोर पर बेडरूम नंबर 1 है। इसमें एक लार्ज साइज विंडो है जो कि डे लाइट और सूरज की रोशनी की आमद को यकीनी बनाती है। इससे न सिर्फ बिजली की बचत है बल्कि मुनासिब वेंटिलेशन और शाम और बारिश में खूबसूरत व्यूज से महजूज हुआ जा सकता है। खूबसूरत सीलिंग और प्लाटीनियम हाई ग्लास कबर्ड्स आपके सामने। अटैच वाशरूम ऑफ बेडरूम नंबर 1, इस वाशरूम में जेडान की इंपोर्टेड एसेसरीज का इस्तेमाल किया गया है और पोटा की सैनिटरी नस्ब की गई है। ये इस वाशरूम का सेपरेट शावर एरिया है जिसमें इंपोर्टेड ग्लास फेंसिंग की गई है, LED लाइट्स विद ओपल बटन्स। बेडरूम नंबर 2, ये एक बड़े साइज का बेडरूम है जो कि मास्टर बेडरूम है और ये इसमें बड़ी वर्टिकल विंडो है। यहाँ पर भी खासी मिकदार में डे लाइट की रसाई है और ये इस बेडरूम की कबर्ड प्लाटीनियम हाई ग्लॉस कबर्ड आपके सामने है। वाशरूम नंबर 2, ये बेडरूम नंबर 2 का अटैच वाशरूम है और ये एक निहायत खूबसूरत वाशरूम है। हर वाशरूम एक खूबसूरत लुक और मुनफरद टाइल्स के साथ है। इन टेक्सचरल टाइल्स का एक नज़ारा देखिए। इस वाशरूम का एक बड़ा वेंटिलेटर और GFC एग्जॉस्ट फैन डुअल वेंटिलेशन का काम करता है। ये 1846 का अकबी हिस्सा है। इस घर के अकबी हिस्से में ये लॉन्ड्री एरिया है और ये गीजर नस्ब किया गया है और ये एक्सटर्नल स्पायरल स्टेयरकेस है जो कि फर्स्ट फ्लोर और रूफ टॉप तक रसाई को मुमकिन बनाता है। अपस्टेयर्स, खूबसूरत ब्लैक ग्रेनाइट की सीढ़ियाँ और कील की लकड़ी की रेलिंग। फर्स्ट फ्लोर पर TV लाउंज, निहायत कुशादा TV लाउंज, इम्पोर्टेड वॉलपेपर, खूबसूरत शैंडलियर, बेहतरीन सीलिंग वर्क, SK फैंस और 32x32 की स्टाइलिश टाइल्स। ये अपर पोर्शन का बेडरूम नंबर 1 है और इस घर का बेडरूम नंबर 3 है।
खूबसूरत कपबोर्ड, टाइल्स, फैंस, सीलिंग वर्क सब कुछ मुनफरिद है और नहायत पायदार है। वॉशरूम ऑफ बेड नंबर 3, वसी शावर एरिया, रेन मेकर्स, बॉडी जेट्स, टॉल हैंगर्स, पोटा सैनिटरी, जेडान एसेसरीज, शावर एरिया को सेपरेट करने के लिए इम्पोर्टेड ग्लास का इस्तेमाल और नहायत ही खूबसूरत टाइल्स और डुअल वेंटिलेशन सिस्टम। किचन ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ये अपर पोर्शन में किचन है। किचन घर का दिल होता है। खूबसूरत कैबिनेट्री, इम्पोर्टेड अप्लायंसेस, एसके फैंस, मुनासिब डे लाइट एक्सपोजर, नेट डोर्स और इस किचन का खूबसूरत डिज़ाइन दिल को बहाता है। आउटसाइड व्यू, अपर पोर्शन से आप सराउंडिंग्स में तेज़ी से कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, जो इस बात की अकासी करता है कि यहाँ डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। बेडरूम नंबर 2 ऑफ फर्स्ट फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम नंबर 2 और इस घर का बेडरूम नंबर 4 है। अगेन खूबसूरत कबर्ड, वेस्टर्न डिज़ाइन सीलिंग, एसके फैंस और खूबसूरत टाइल्स। अटैच वाशरूम बेड नंबर 4, हर बेडरूम का वाशरूम यूनिक है। यहाँ पर भी इम्पोर्टेड एसेसरीज, खूबसूरत टाइल्स और इम्पोर्टेड सैनिटरी का इस्तेमाल किया गया है। बेडरूम नंबर 3 ऑफ अपर पोर्शन, ये इस घर का बेडरूम नंबर 5 और ऊपर के पोर्शन का बेडरूम नंबर 3 है। ये एक बड़े साइज़ का बेडरूम है, ताज़ा हवा के लिए बड़े साइज़ की विंडो, एसके प्योर कॉपर फैंस, खूबसूरत टाइल्स, सीलिंग और प्लाटिनियम हाई ग्लॉस कबर्ड। अटैच वाशरूम ऑफ बेडरूम नंबर 5, ये वाशरूम भी मुनफरिद है। ख़ास बात यह है कि तमाम वाशरूम्स रूफ़ टू रूफ साइज सीलिंग के साथ हैं, ताकि घुटन ना हो और इनकी खूबसूरती में कोई कमी ना रह जाए। सैनिटरी, एसेसरीज, टाइल्स, इस वाशरूम का एक एक इंच नहायत खूबसूरत, पायदार और स्टाइलिश है और वेंटिलेशन का सिस्टम भी नहायत मुअस्सर है। ये रूफ टॉप के लिए स्टेयर्स हैं, यहाँ पर भी ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। कील वुड की रेलिंग है और ये इस घर का छत है जो कि नहायत कुशादा है। प्रोटेक्टेड वॉल्स, वाटर स्टोरेज टैंक, ये रूफ टॉप पर एक मुनासिब साइज का रूम है और इसके साथ अटैच वाशरूम। और इस घर का छत जो कि प्रोटेक्टेड है, यहाँ पर आपके बच्चे खेल सकते हैं, आप फैमिली फंक्शंस कर सकते हैं, मौसम एंजॉय करना हो, शाम की चाय हो या बारिश, यहाँ से मनाजिर नहायत खूबसूरत हैं। और ये इस घर की सराउंडिंग्स आपके सामने हैं। एंजॉय द व्यूज़।